हेलो गाइज, इस वीडियो में आपको डीडी फ्रीडिस की एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और साथ ही आपको एक बेसिक टिप्स भी दूंगा जिससे आप घर बैठे ही डीडी फ्रीडिस की बॉक्स को चेक कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कभी कभी फ्री डिस्क के बॉक्स में कुछ ऐसी शिकायत आ जाती है कि बॉक्स ऑन तो होता है लेकिन उसमें क्या होता है कि वह डेड पड़ा होता है, उसमें वीक सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाती है। डेड तो कई प्रकार से होता है लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल कॉमन सी है, वो घर बैठे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जो बॉक्स मैंने अभी लगाया हुआ है, बिल्कुल ये ऑन लाइट पर है, इसमें कनेक्शन मैंने दिया हुआ है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने सेट कर लिया 750 वोल्ट पर। अब इसमें मैं चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कितनी वोल्ट की लाइट लगभग हमारी मिल रही है। देखिए 200, तो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रही है 270, चलिए देखते हैं 216 के आसपास वोल्टेज मिल रही है, तो दिखाता हूँ आपको करेक्ट। चलिए ये देखिए हमें वोल्टेज मिली है 210-11 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है क्योंकि यहाँ पर एसी सप्लाई हमारी आ रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है ये देखिए बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ। अगर हम इसको थोड़ा हिलाते डुलाते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए थोड़ा इसको हिलाने डुलाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ऑन हो चुका है, कुछ नहीं बस हिलाया डुलाया और ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया और कभी कभी फिर ये फिर जल रहा है, फिर थोड़ा हिला रहे हैं तो फिर बंद हो जा रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है बता देता हूँ आपको, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा इसमें दिक्कत आ रही है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है हमारी कनेक्टर की, तो ये जो कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है वो कनेक्टर हमारा काफी दिक्कत कर रहा है और लूज है। अगर इस कनेक्टर को चेंज करके मैं दूसरी कनेक्टर इसमें डाल देता हूँ तो बिल्कुल हमारा ओके हो जाएगा। तो इसके बाद में एक और फॉल्ट के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं दूसरी कनेक्टर इसमें लगा लेता हूँ। तो देखिए ये वाली दूसरी कनेक्टर मेरे पास थी तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि इसकी दिक्कत क्या क्या है। तो देखिए इसमें ये वाली कनेक्टर मैंने कनेक्ट कर लेनी है और आपको इसमें लगा के मैं दिखा देता हूं। तो ये देखिए अब हमारा कार्ड ऑन हो चुका है, सॉरी डीडीएस का डब्बा हमारा ऑन हो चुका है। बस इतनी सी इसकी प्रॉब्लम थी और हमारा बिल्कुल इजीली 1 या 2 मिनट में हमारा काम हो गया। लेकिन एक चीज आपको दिखा दूं, इसमें वीक सिग्नल की भी प्रॉब्लम है। अब वीक सिग्नल की प्रॉब्लम बताता हूं कैसे ठीक होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर वोल्टेज चेक कर लेनी है। जैसा कि आपको पता है यहां पर दूसरी इस तरफ से दूसरी नंबर की पिन, थोड़ा जूम करके दिखा दूं, यहां देखिए यहां से दूसरी नंबर की पिन और यहां से दूसरी नंबर की पिन हमारी ग्राउंड की होती है। तो इसमें मैं चेक कर लेता हूं, यहां पर ग्राउंड इसी से लिया गया है तो यहां पर खाली छोड़ दिए, तो इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं और यहां पर हम मल्टीमीटर को सेट कर देते हैं 20 की रेंज पर। चलिए चलिए 20 की रेंज पर मैंने सेट कर लिया और देख दिखाता हूँ आपको वोल्टेज बिल्कुल हमारी गड़बड़ा रही है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पर हमें 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए, तो लगभग यहां पर ठीक है। फिर दूसरी ग्राउंड की है, तीसरी वाली है हमारी 24 वोल्ट की, तो यहां पर दिखाता हूँ आपको, तो 24 वोल्ट की है तो यहां पर 27 वोल्ट लगभग ठीक ही मिल रही है। तो अब दिखाता हूँ आगे पे, यहां पर 17 वोल्ट हमें ठीक मिल रही है और लास्ट में हमें 5 वोल्ट करीब मिलनी चाहिए। और चलिए दिखा लेता हूँ, तो यहाँ पर हमें 3 वोल्ट मिले, लगभग हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, हमारा जो वीक सिग्नल आता है वो इसी की प्रॉब्लम से होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले आप लोग करना क्या है। तो एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, जो हम इस सप्लाई का यूज करते हैं, ये देखिए कौन सी सप्लाई है, ये वाली सप्लाई देखिए जिसमें एनटीसी यहाँ पे लगा होता है, आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एनटीसी हमारा लगा हुआ है, तो देखिए एनटीसी लिखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल जस्ट आगे पे एनटीसी 100-9 करके लिखा हुआ। हाँ, तो ये एनटीसी की जो एनटीसी लगी हुई जो हमारी सप्लाई रहती है ये बिल्कुल आपको देख
बता दूं ये लो क्वालिटी की होती है, जो ज्यादातर हम लोग सप्लाई यूज करते हैं और आजकल के बॉक्स में ज्यादातर लगी हुई आती है, ये है चाइनीज सप्लाई। देखिए वैसे मैं सपोर्ट तो चाइना को नहीं करता, लेकिन दोस्तों हम जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में माल यूज करते हैं, आधे से ज्यादा वह चाइना का होता है, आधे से ज्यादा नहीं लगभग 90% चाइना का माल हम यूज करते हैं, और ये कार्ड वगैरह सारी चाइना की ही है। तो ये वाली जो सप्लाई है, ये वाली बेस्ट क्वालिटी की मानी गई है। ये वाली आपको दिखा दूं, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा तो कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें आपको यही देखने को एनटीसी की जगह पे आपको यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर टाइप का देखने को मिल जाएगा, इसको ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। अगर आपको आप इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर तो ये है, ये वाला एनटीसी की जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर यहाँ से सप्लाई पूरी करने के लिए एक कॉइल यहाँ पे लगाई रहती है, एक कॉइल यहाँ पे, तो इस तरीके से भाई इसकी सप्लाई पूरी हो जाती है। तो ये वाली ज्यादातर जो सप्लाई होती है उसी का ज्यादातर यूज किया जाता है, और बेस्ट क्वालिटी की है, ये काफी टिक भी जाती है और रिपेयर करनी बहुत आसान भी है। तो इसमें जो फॉल्ट आता है वह बिल्कुल आसानी से रिपेयर हो जाता है। और बाकी रही वीक सिग्नल की बात, तो इसको भी आप रिपेयर घर बैठे कर सकते हैं। वीक सिग्नल की समस्या दूर करने के लिए आप इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं मैं बता देता हूं आपको। आप सबसे पहले ये जो मेन कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर, इसको चेंज कर लीजिए, और साथ ही जो आपको यहाँ पर कैपेसिटर वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पर आप इनको भी चेंज कर लीजिए, वीक सिग्नल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ज्यादा अगर डेड पड़ने की समस्या है तो इस वाली डायोड को आप चेक कर सकते हैं, इन डायोड को भी चेक कर सकते हैं। वैसे आप इनको चेंज कर लेंगे, 1, 2, 3 इन फिल्टर्स को चेंज कर देंगे तो आपकी समस्या वीक सिग्नल की दूर हो जाएगी। पहले तो वीक सिग्नल की जो समस्या होती है इसको चेंज करने से ही दूर हो जाती है, जो मेन कैपेसिटर हमारा लगभग 450 वोल्ट का रहता है, इससे ही दूर हो जाती है। और इसी के साथ अगर इस सप्लाई में देखें हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर सप्लाई के अलग अलग फिल्टर हमें दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको प्योर, यहाँ पर आपको जितनी भी वोल्ट यहाँ पर एक्यूरेट लिखी हुई यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस वाली सप्लाई का जो मेन फॉल्ट मुझे देखने को मिला, तो उसमें ये है कि जैसे यहाँ पर आपको, एक मिनट थोड़ा अच्छी तरह दिखा दो क्लियर करके, चलिए, जो यहाँ पर इस सप्लाई में लिखा हुआ है हमारा 24 वोल्ट, 24 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 24 की जगह हमें कितनी मिल रही है, 27 देखने को मिल रही है। तो अगर इस सप्लाई की मैं बात करूं, इस सप्लाई में आपको 24 लिखा है, तो 24 की जगह पे आपको 25, 24 लगभग 24 आपको मिल जाएगी, हो सकता है 22 तक, 22 से 24 के बीच में आपको मिल जाएगी। वैसे अगर मैं चेक करूंगा तो 24 आएगी, और कार्ड के साथ चेक करूंगा तो थोड़ा लोड पड़ेगा तो इसमें 21 या 22 आपको दिखाई देगी। ये वाली कार्ड बेस्ट होती है, ये वाली कार्ड का जो वोल्टेज आप चेक करेंगे तो आपको गड़बड़ाया हुआ पूरा वोल्टेज लगेगा। तो गाइस इसका यही हमारा डिसएडवांटेज है कि इसका जो वोल्टेज है वो काफी गड़बड़ाया हुआ होता है, और इसका बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें मैं चेक करूंगा तो जहां पे 5 लिखी है तो 5 ही मिलनी है, जहां पे 3 लिखी है तो बिल्कुल जस्ट वहां पर 3 ही मिलेगी। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है। तो इसका प्राइस लगभग आपको लॉकडाउन प्राइस अगर देखूं तो कम से कम 110-120 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी, और आप डेली से अगर परचेस करते हैं तो कम से कम 60-70 रुपए की आपको मिल जाएगी। तो आपने सीखा कि वीक सिग्नल की प्रॉब्लम कैसे दूर होती है, और एक और फॉल्ट सबसे बड़ा है जिसकी वजह से वीक सिग्नल बताता है। यहाँ पर तो आपको डेड कार्ड की बात मैंने बता दी, कनेक्टर आप चेंज करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ ही मैंने काफी चीजें आपको बता दी, और आपको कार्ड के बहुत सारे फॉल्ट होते हैं उनको अगर सीखना है तो ऊपर आई बटन है, आई बटन में आप क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको कार्ड की जानकारी और सप्लाई की और फॉल्ट के बारे में जानकारी मैं दे दूंगा। जैसे कि वीक सिग्नल की जो प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा सॉल्व करके, और आपको जैसे हाँ इससे एम्पलीफायर भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर एक स्पीकर का अलग से यहाँ पर आईसी वगैरह दी होती है, उसको एम्पलीफायर बनाकर आप घर पर यूज कर सकते हैं बिल्कुल होम थिएटर की तरह। तो अगर उसको भी सीखना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप चेक कर लीजिए। और फिर बात आती है हमारी वीक सिग्नल की, तो वीक सिग्नल एक तो वहां से बता दिया, और दूसरा एक कार्ड से, कार्ड से आप ये देखिए जो यहाँ पर LNB इनका जो कनेक्टर हमारा दिया हुआ है, देखिए कैमरा साफ करके आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं, और जो कार्ड से वीक सिग्नल की प्रॉब्लम अक्सर हमने देखी है, तो बहुत ज्यादा लोगों का कनेक्टर वगैरह टूट गया होता है। देखिए पूरा कनेक्टर हिल रहा है, जैसे ये वाला हिल रहा है, देखिए ये बिल्कुल नहीं हिल रहा, और ये देखिए पूरा हिल रहा है। इसमें दिक्कत क्या है, या नीचे से इसके प्रिंट वगैरह हट गए हैं, और जब इसको हिलाया जाता है तो जैसे पीछे से हम वायर वगैरह इसमें कनेक्ट करते हैं, इसको हिलाया जाता है तो हमारे वीक सिग्नल की प्रॉब्लम कुछ देर के लिए सॉल्व तो हो जाती है, फिर ये हिलता है, फिर वीक सिग्नल या नो सिग्नल की समस्या आ जाती है। तो इस कनेक्टर को आप सोल्ड कर लीजिए, अगर दिक्कत आ रही है तो इस वाले को उखाड़ के इधर पे, इधर को इस वाले को उखाड़ के यहाँ पे
लगा लीजिए बिल्कुल, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।